खाना खाने की ऐसी भी क्या लत कि शरीर का वजन एक कार से भी ज़्यादा हो जाए। यकीन करना मुश्किल है पर इन तीन भाई बहन का वजन मिलाकर करीब 907 किलो है। इस भयानक मोटापे का कारण है इनका बेहिसाब खाना खाना। हद तो ये है कि ये खुद जानते हैं कि इस तरह खाना खाने से इनकी मौत हो जाएगी, फिर भी इन्हें अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं। इस जानलेवा मोटापे की वजह से 49 साल की चिटोका, 30 साल की नोआमी और 43 साल के डू स्टुअर्ट 3 साल तक घर से बाहर नहीं निकले थे। हाल ही में एक न्यूज चैनल ने इन तीनों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जिनका नाम रखा गया फैमिली बाय द टॉन। इसमें दिखाया गया कि इस मोटापे की वजह से ये तीनों कैसी जिंदगी जीते हैं। डॉक्यूमेंट्री शूट के दौरान इन्होंने बताया कि ये किसी आम कार में नहीं बैठ सकते, इस वजह से इनका सालों तक घूमना फिरना बंद रहा है। अब इन्होंने खुद के लिए अलग से एक कार मॉडिफाई कराई है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा वजन 43 साल के स्टुअर्ट का है जो 304 किलो के हैं। स्टुअर्ट दिन भर में दर्जनों पिज्ज़ा खाते हैं लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि उनकी ये आदत उन्हें मौत के मुँह में ले जा रही है। स्टुअर्ट कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता हमने अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, अब हमें जल्द ही कुछ करना होगा। तीनों ने खुद को कंट्रोल करने के लिए एक पर्सनल डॉक्टर की मदद लेनी भी शुरू कर दी है। डॉक्टर चार्ल्स प्रॉक्टर के मुताबिक तीनों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी है। इन्हें अंदाजा नहीं है कि ये अनहेल्दी खाना खाकर कैसे खुद को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। सर्जरी नहीं कराई गई तो इनकी कभी भी मौत हो सकती है। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिए। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।